नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर कंपोजिशन का पार्ट है स्पीच, उसको ले रहे हैं। स्पीच किस प्रकार लिखा जाता है, आइए इस पर विश्लेषण करते हैं। हाउ टू राइट स्पीच, यानी स्पीच का अर्थ होता है भाषण। भाषण को किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या फॉर्मेट है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले भाषण से संबंधित इम्पोर्टेंट हिंट्स। भाषण को सरल, सुबोध व प्रभावशाली भाषा में लगभग 100 या 120 शब्दों में लिखना होता है, और भाषण की जो प्रस्तुतिकरण होता है वो बहुत ही आकर्षक, प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि आपके भाषण को हर व्यक्ति सुन सके। और साथ ही भाषण में फैक्ट तथ्य होना चाहिए, आंकड़े का भी समावेश करना चाहिए, ताकि हमारा जो प्रस्तुतिकरण हो बड़ा ही प्रभावशाली हो। साथ में भाषण के अंदर कंफ्यूजन और कॉन्ट्रास्ट भी होना चाहिए, जिससे इसकी गति बढ़ती रहे हैं। भाषण का जो अंत है वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से होना चाहिए, जिसमें आप कोई प्रसिद्ध कविता है, गीत है, या गीत की पंक्तियां हैं, या कहावत है, या कोई चेतावनी है, या कुछ आशा भरे शब्द है, वो शब्द लेकर आप इसका अंत कर सकते हैं। अब हम जानेंगे स्पीच के पार्ट ऑफ स्पीच। स्पीच का जो पहला पार्ट है वो है टाइटल। टाइटल के अंतर्गत हम भाषण का शीर्षक लिखते हैं, उसके बाद जो है वो है फॉर्मल एड्रेस, यानी आपका जो औपचारिक रूप से सभी लोगों को संबोधित करना होता है, तो औपचारिक रूप से सभी लोगों को किस प्रकार संबोधित करना है वो फॉर्मल एड्रेस के अंदर आएगा। उसके बाद में थैंक्स टू इनविटेशन, यानी आपको निमंत्रण के लिए आयोजकों ने यहाँ बुलाया है तो आप उसको धन्यवाद देंगे। उसके बाद इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन देंगे, आपका प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण करना है, उसमें कविता, गीत की पंक्तियाँ, कथन, कहावत, मुहावरे, इनका भी आप उपयोग ले सकते हैं और अच्छे से अच्छे इसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। उसके बाद में स्पीच का एक पार्ट होता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, यानी आपको ये बताना होता है कि आप किस पर भाषण दे रहे हैं, तो उसका प्रभावशाली तरीके से उसका उच्चारण करके बताना है कि आप किस पर बोलने जा रहे हैं, या आप अपनी नोटबुक में किसके बारे में लिख रहे हैं। उसके बाद में महत्वपूर्ण चीज़ है वो है डेवलपमेंट, यानी आप भाषण का विकास किस प्रकार कर रहे हैं, यानी आप किस प्रकार एक एक पंक्ति को आप बोल रहे हैं ताकि वो जनता तक आसानी से पहुँच सके, इसका किस प्रकार से कंपेरिजन हो, कंट्रास्ट हो, उसमें फैक्ट और प्रूफ हो, स्टिक्स हो, कम्युनिकेशन हो, आप किसी कमिटी या कमीशन के बारे में रिपोर्ट का भी हवाला दे सकते हैं, यानी आप भाषण को बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंच बनाते हुए लोगों तक पहुंचाना है। उसके बाद में आएगा आपका कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष। निष्कर्ष के अंदर आप कोई चेतावनी दे सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं, या कोई आशा भरी अपील कर सकते हैं, और अंत में आप फॉर्मल थैंक्स कर सकते हैं, यानी औपचारिक रूप से लोगों का धन्यवाद कर सकते हैं, और आपको भाषण या आपका जो भी स्पीच था वो लोगों ने सुना, उसके लिए उनको धन्यवाद करना है। इस प्रकार ये स्पीच के पार्ट थे। अब हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं स्पीच का। तो प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से आएगा, राइट ए स्पीच इन अबाउट 100 and 120 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ गुड मैनर्स। आज आपके सामने जो भाषण का विषय है वो है इम्पोर्टेंट ऑफ गुड मैनर्स। सबसे पहले हम इसका टाइटल देंगे, और टाइटल इस प्रकार से लिखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। उसके बाद में आप करेंगे अभिवादन, सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। उसके बाद में आप किसके ऊपर स्पीच कर रहे हैं, किसके ऊपर स्पीच देने जा रहे हैं या लिखने जा रहे हैं, आप किस विषय के ऊपर स्पीच देने जा रहे हैं वो लिखेंगे, आज मैं अच्छे शिष्टाचार व आचरण के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ। आप कोई भी बिंदु हो, बस उसमें आपका जो मेन हेडिंग है वही चेंज करना है, बाकी यही रहेगा, टुडे आई एम टू एक्सप्रेस माई व्यू ऑन, यहाँ तक तो आप कॉमन लिख सकते हैं किसी भी स्पीच के अंदर। और उसके बाद में जो दो बिंदु लगे हैं उसके बाद का जो आपका हेडिंग है वो आ जाएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। उसके बाद हम लिखेंगे, शिष्टाचार आचरण हमारे व्यक्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है, गुड मैनर्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। उसके बाद हम लिखेंगे, विनम्रता, सरलता और संतुलित व्यवहार अच्छे व्यवहार का प्रतीक है, तो पोलाइटनेस,
सिंपलिसिटी एंड बैलेंस बिहेवियर आर सिंबल ऑफ गुड बिहेवियर। उसके बाद में हम लिख सकते हैं, हमें दिन प्रतिदिन के आचरण में विनम्र और सरल रहना चाहिए। तो वी शुड बी पोलाइट एंड सिंपल इन आवर डे टू डे परचेज। हम सच्चे अर्थों में इंसान तभी कहा जा सकते हैं अगर हमारे पास अच्छा आचरण हो। तो वी कैन बी कॉल्ड ए ह्यूमन बींग इन ट्रू सेंस इफ़ वी हैव गुड मैनर्स। उसके आगे की कड़ी में हम ले लेते हैं, हमें अपने विचारों और कार्यों में आक्रामक नहीं होना चाहिए। वी मस्ट नॉट बी एग्रेसिव इन आवर व्यू एंड डीड्स। इसके बाद हम लिखेंगे, अगर हम किसी के विचारों के साथ सहमत नहीं हैं तो हमें कारणों के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए। हमें किसी से उलझना नहीं चाहिए। हमारा कभी पक्ष रखना भी पड़े तो उसको तथ्यों के साथ रखें। तो इफ़ वी आर नॉट एग्री विथ एनी वन वी शुड पुट आवर फेवर विथ रीज़न। हम आगे लिखेंगे, किसी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, यानी हमें किसी प्रकार का घमंड नहीं करना है। तो ए पर्सन मस्ट नॉट बास्ट। बातचीत और काम में किसी प्रकार का दिखावा या पाखंड नहीं होना चाहिए, यानी हमें सरल आदमी रहना चाहिए। देयर शुड बी नो हिपोक्रेसी इन टॉक एंड वर्क। और हमें अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए और हमें हमेशा अपनी बात रखने की कोशिश करनी चाहिए, यानी हमें हमेशा जो अपने वर्ड्स हैं, अपनी बात है, उस बात का धनी रहना चाहिए। बात से फिरना नहीं चाहिए। जो बात एक बार अपने कह दी उस पर हमेशा बने रहना चाहिए, यानी एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी। तो वी शुड बी ऑनेस्ट इन आवर डीड्स एंड शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप आवर वर्ड्स। उसके बाद में लिखेंगे, अच्छा व्यवहार और विनम्रता वह चीज़ हैं जिसके द्वारा हम बिना कोई कीमत चुकाए कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। गुड मैनर्स एंड पोलाइटनेस आर द थिंग्स बाई विच वी कैन गेट एनीथिंग विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। अच्छे शिष्टाचार हमें अपने सामाजिक संबंध को बनाए रखने में मदद करते हैं। गुड मैनर्स हेल्प अस मेंटेनिंग अवर सोशल रिलेशंस। इस प्रकार एक अच्छे शिष्टाचार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो दस गुड मैनर्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। और अंत में आप कह सकते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। इस प्रकार आप एक स्पीच का निर्माण कर सकते हैं और स्पीच को मंच पर भी आप दे सकते हैं। इसको आप वूल तरीके से किस प्रकार लिखेंगे वो हम आपको आगे दिखा देते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। उसके बाद आप हेडिंग लिखने के बाद आप लिखेंगे जो अभिवादन शब्द है, वो अभिवादन का शब्द आ जाएगा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उसके बाद में आप पूरे स्पीच को लिख दीजिए, टुडे आई एम टू एक्सप्रेस माय व्यू ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। गुड मैनर्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। पोलाइटनेस सिंप्लिसिटी एंड बैलेंस बिहेवियर आर सिंबल ऑफ ए गुड बिहेवियर। वी शुड बी पोलाइट एंड सिंपल इन आवर डे टू डे परचेस। वी कैन बी कॉल्ड ए human being in true sense if we have good manners. We must not be aggressive in our view and deeds. If we are not angry with anyone, we should put our favor with reasons. A person must not boast. There should be no hypocrisy in talk and work. We should be honest in our deeds and should always try to keep our words. Good manners and politeness are the things by which we can get anything without paying any cost. Good manners help us maintaining our social relations. Thus, good manners are important part of our life. Thank you. इस प्रकार आप एक स्पीच का निर्माण कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको लिख भी सकते हैं और आप मंच पर बोल भी सकते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये स्पीच राइटिंग लिखना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप बहुत अच्छे से स्पीच राइटिंग को कर सकते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।